पातशयाम जत्वासरहम मंदवासरसेदकम कराशिष्टदे चंद्रयाम कराशिष्टचरणाशिष्टकर्णाशिष्टकर्णमान्यम ऐश्वर्य प्राप्त्यापि ओम जजाग्रदो हरिः ओम स्वस्ति नामिन्द्रो वृद्धश्रवाः शान्तर विश्वे देवा शान्तशवारि जय गणेश देवा जन को पुत्र देत निर्धन को माया जन को पुत्र जय गणेश देवा आकाश की महारे सियापति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र की जय जोगी जिंदाबाद जोगी जिंदाबाद जय सियापति रामचंद्र की जय जिंदाबाद शुद्ध हनुमान की जय कांग्रेस पार्टी राकेश चौधरी कांग्रेस पार्टी अपने बच्चे की कोई भविष्य दिखना चाहते हो रियासत की खुशहाली दिखना चाहते हो तो कांग्रेस की वोट देइए सारा जरा राकेश चौधरी जरा मरिया एक शौक है लोगों की सेवा करने का चलो और सारे की वो करो अपना करो शुक्रिया तो मैं दरखास्त कर जिन्हें भी वक्ता बोलन आप सभी को पता है इलेक्शन चल रही है और मैंडेट हमें सभी को लेट मिल रहा है पार्टी के ऑफिस जो हर स्टेशन पे अलग अलग जगह पे खोलना जरूरी होते हैं और आज हमारा पहला ऑफिस खोला है इसके बाद दो ऑफिस हमारे और हैं जो अलग अलग जगह पे खुलेंगे और सभी हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग चाहे उसमें बुजुर्ग हों चाहे उसमें हमारे नौजवान साथी हों चाहे वो अहदेदार पे थे चाहे वो वोटर थे जिस जिसको ये मैसेज मिला है आज सभी लोग जहाँ पहुँचे हैं और पूरा सनातन धर्म को लेके पूरी पूजा हुई है और पूजा होने के बाद ओपनिंग हुई है और सभी लोग बैठ के जितने भी हमारे बुजुर्ग थे अहदेदार थे मंथन हुआ है अपना रणनीति बनी है कि किस तरह सभी ने चलना है और अभी सभी बैठ के ड्यूटियाँ दी जाएंगी सभी को कि कौन कौन किस किस गांव में जाएगा राकेश जी जो आपके अपोजिट पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आपको 3 करोड़ रुपए की टिकट मिली है क्या कहना है आप देखिए भाई जी लोगों का काम होता है बातें करना जिसने भी ये इल्ज़ाम लाया है कि बोला है जो भी बोला उसने मैं आपके आगे भी गुजारिश करता हूँ कि आप यही सवाल उनसे पूछिए कि उसने ये क्यों कहा है कोई भी आदमी चाहे ओपोजिशन का हो या इलाके का हो जिसको समझ होगी जो इंसानियत को समझता होगा वो ऐसी बातें नहीं करेगा अगर उसने बात की है तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप उसी को सवाल पूछिएगा कि आपने ऐसा क्यों कहा है क्योंकि जो कहता है उसको पता होता है इसलिए कहता है ना अगर उसको पता वो आपको बताएगा राकेश जी वो ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने 3 करोड़ देकर टिकट ली है वो अपना घर संवारेंगे जनता का भला नहीं करेंगे ठीक देखिए हम आज नहीं लोगों में आए हैं आज नहीं कोई ये सोचे ओपोजिशन वाला कि राकेश जी आज इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं और घर से निकल के आए हैं आज ही हम 10-12 साल से लोगों में हैं लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं कि ये इलेक्शन लड़ने से पहले क्या करते थे
ये किस तरह लोगों की सेवा करते थे। हमने यही सीखा है, हमारे संस्कार में भी यही है कि हम लोगों को देना, देने के लिए सीखा है, सेवा करने के लिए सीखा है। हम पहले भी सेवा करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। ये पूरा इलाका हमारा जानता है, पूरा हीरानगर हमारी कांस्टेबल जानती है कि इनकेश जी की कितनी बड़ी टीम है और ये टीम जो है ये कितना बढ़िया काम कर रही है, कितना कितनी बड़ी सेवा कर रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये कहता है कि ये पैसा कमाने के लिए आए हैं, इनसे कभी ये पूछना कि कभी गरीब आदमी की सेवा की है, कभी किसी के घर में गए हो, जिस बहन का सुहाग घर वाला मंजे पे पड़ा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं हैं दवाई के। आज हमारा एक शर्मा भाई दीपक शर्मा गुड़ा मुंडिया से एक्सीडेंट जब हुआ और जहां से उसको पठानकोट हॉस्पिटल में भेजा गया, उसके बाद पीजीआई गया, इसको पूछना है कि क्या आपने उसकी सेवा की? क्या गरीब परिवार के जो छत नहीं थे, जो माताएं बहनें आज भी टीन के छत के नीचे रह रही थी, क्या उसकी मदद की? क्या कभी गरीब परिवार के घर जाके कभी बैठे हो, कभी उनसे पूछा है कि आपको क्या चाहिए? आज की डेट में लोगों में बहुत तकलीफ है, इतने दुखी हैं लोग कि आज उनका गुजारा नहीं हो रहा है, आज उनके पास कोई पैसा नहीं है, आज उनके पास कोई नौकरी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग ये सरकारें बनाते हैं, जैसे पहले बीजेपी की सरकार थी, आज सेंटर में भी है, लेकिन लोगों का भला नहीं हो रहा है, लोग आज भी तकलीफ में हैं। आज हमारे बच्चे, हमारे भाई सड़कों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे इनका घर ही नहीं है। माता पिता परेशान हैं कि बच्चे मेरे को कोई रोज़गार मिल जाए। मैं रेड़ी फड़ी वाला था, मैं मंडी में काम करता था, मैं बोरी उठाता था और हक हलाल की कमाई करके मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, ट्रेनिंग करवाई कि कहीं मेरा बच्चा कहीं एयरफोर्स, आर्मी, एसएसबी कहीं ना कहीं वो जाके नौकरी करे और मेरी भी कमर सीधी हो जाए, मेरी भी 10 साल एज बढ़ जाए। लेकिन ऐसा सरकारों ने नहीं किया। आज जो बुजुर्ग ने कमाई करके मकान बनाया था वो आज मकान खंडर हो रहा है और बेटा ऐसे घूम रहा है, वो परेशान है। अगर बच्चा खुद कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, आप बताओ। सबसे पहले अगर परेशानी इलाके में है, हीरानगर में परेशानी है, तो वो रोज़गार की है, वो नौकरियों की है, नौकरियां टोटली बंद पड़ी हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे बॉर्डर हो, चाहे कंडी हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं पूरा दिन भी आपको सुनाता रहूं, ख़त्म नहीं होंगे। राकेश जी, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा था, भाजपा ने कहा कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैच होंगे, बाहर के खिलाड़ी जो है यहाँ पे आएंगे और हीरानगर की जो है अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक होगी, क्या कहना है? देखिए भाई जी, जो स्वार्थी होता है ना, ये आप समझ रहे हैं, स्वार्थी इन लोगों का काम है जुमले देना इलेक्शन के टाइम कि लोगों को बेचारे, देखो हमारे हीरानगर के लोग बोलने वाले हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, दिल से मानते हैं सभी, बहुत जल्दी बात में आ जाते हैं। आज जो स्टेडियम की इन्होंने बात की, जिन लोगों की जमीन वहाँ आई है, क्या उनको कॉम्पिटिशन देंगे नहीं देंगे? स्टेडियम के लिए उसने एक बोर्ड लगा दिया, स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम पे उन्होंने स्टेडियम की शुरुआत की। बच्चे सोच रहे हैं कि कब बनेगा, क्योंकि बच्चों को नौकरी जो इन्होंने देनी थी वो इन्होंने दे दी है। अभी इनको स्टेडियम की तरफ लेके जाएंगे कि बच्चों आपको हम खिलाएंगे, खेलो आप, हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर स्टेडियम बनना होता तो आज वहाँ काम लगा होता, ऐसे सिर्फ एक प्लेट लगा के छोड़ दिया। वो इसलिए किया क्योंकि इलेक्शन थी, एमपी इलेक्शन आने वाली थी,
वो करके लोगों से वो ले लिए, लेकिन हमारा ये काम नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, और हक हलाल की कमाई के लिए लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पूरे हीरानगर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और विधानसभा में जाके पूरे हीरानगर की बात रखेंगे, बॉर्डर की बात रखेंगे, कंडी की बात रखेंगे, हर उस नौजवान के लिए लड़ेंगे जो आज नौजवान बिना नौकरी के सड़कों में घूम रहा है, और हीरा नगर के लिए लड़ेंगे, हीरानगर को हीरा बनाएंगे, हीरा बनाएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।